वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हम थ्योरी पार्ट लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सारे लेक्चर थ्योरी के हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जो बुक के क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से वो हम पढ़ेंगे, ताकि आपकी जो थ्योरी है पूरी रिकॉल हो जाए और आप किस प्रकार उन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। देखिए, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सबसे पहले पेज नंबर 6 पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो देख लीजिए। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। ये सब्जेक्ट है साइंस, क्लास टेंथ, और चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर द बर्निंग द एयर। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी बुक के अंदर थी, जो मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे थे, उससे क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो उसको साफ क्यों करते हैं, ये व्हाई शुड बी क्लीन्ड, इसको ऐसा बोला गया है। व्हाई शुड बी क्लीन्ड, बिकॉज इट शुड बी क्लीन्ड बिकॉज द सरफेस, उसकी जो सरफेस होती है वो रिएक्ट कर लेती है ऑक्सीजन से, और सरफेस पर कहीं ना कहीं एक लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी बन जाती है। बिकॉज इट सरफेस ऑलरेडी रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड सरफेस पर, वो लेयर, तो उस हम लेयर को उसको हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं, तो वापस प्योर मैग्नीशियम वहाँ पर, ठीक है, टू एक्सपोज द प्योर लेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये इसका आंसर है। और एक और रीज़न ये होता है कि जो कहीं ना भाई कहीं बार किसी ना किसी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डस्ट या अदर पार्टिकल्स या अदर सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो भी एक क्लीन होने से दस सब्सटेंसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम क्लीनिंग, सो दैट्स वाई बिफोर द बर्निंग द एयर इट शुड बी क्लीन। तो ये इसका आंसर हम इजीली लिख सकते हैं, दो तीन पॉइंट्स हो जाएंगे इसके, मैंने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब कुछ केमिकल इक्वेशन दिए, उनको बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए, इसका फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। हाइड्रोजन क्या है, H2, हाइड्रोजन गैस से बनेगी, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl2, क्लियर। अब क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बन रहा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। देखिए, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन की वैलेंसी -1, दोनों HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl। अब देखिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस लिखा है यहाँ पर, और हमें इसकी स्टेट भी लिख देते हैं, ये गैस है और ये लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, क्लोरीन के 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, यानी इक्वेशन क्या होगी, मेरी बैलेंस होगी। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, कौन सी रिएक्शन बता सकते हैं आपको? यस, जी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, बेरियम के साथ क्लोराइड था, अब बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट था, एल्यूमिनियम के साथ क्या गया, क्लोराइड आ गया। अब इसको लिख भी देते हैं हम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, बिल्कुल सही। तो बेरियम क्लोराइड का Ba और क्लोरीन का Cl, इसकी वैलेंसी +2 होगी तो ये BlCl2 हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, +3 होती है, ठीक है, Al2। और सल्फेट की कितनी होती है, पहले लिख लेते हैं सल्फेट को SO4, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, और इसकी 3 होती है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट Ba, बेरियम की वैलेंसी कितनी, 2, और सल्फेट की कितनी, 2, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, BSO4 ही आएगा, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al और क्लो AlCl3, क्लोरीन की 1 है और एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, +3, ये आ गई AlCl3। चलिए, तो ये तो इसकी हो गई इक्वेशन, अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है जिसके एटम सबसे ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट है, आई थिंक ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 3 या 12 एलिमेंट है इसके, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 कर दूँ यहाँ पर, किसको 3 कर दूँ, इसको अगर 3 कर दूँ यहाँ पर, इस कंपाउंड को प्रीफिक्स बाय 3, सबसे मैंने वही कहा था, क्या स्टेप पहला सबको देखना है, तो इसके साथ Ba भी हो गया, Ba वाला को हम बैलेंस करेंगे, इसका 3 हो गया, यहाँ पर 3 लगाएंगे,
क्लियर, ठीक है। अब बाकी देखिए, इसके बाद क्या क्लोरीन है, क्लोरीन कितना हो गया, सिक्स हो गया, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया, सिक्स हो गया, क्लोरीन सिक्स हो गया मेरा, तो क्लोरीन या टू लगा देता हूँ मैं, तो क्लोरीन सिक्स हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम बचा, एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी कि अभी मैं एक बार चेक कर लेते हैं, बेरियम के तीन, यहाँ पे तीन, सल्फेट के तीन, तीन, अच्छा क्लोरीन देखते हैं, बेरियम के तीनों का, क्लोरीन के सिक्स, क्लोरीन के सिक्स हो गए एटम, एल्यूमिनियम के दो हैं, एल्यूमिनियम के दो एटम हो गए, सल्फर के कितने हैं, तीन है, सल्फर के तीन तीन है, तो सल्फर थ्री, तीन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर से ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गए, तीन और फोर से ट्वेल्व, थ्री फोर से ट्वेल्व, ठीक है। यानी कि पूरी मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इसका क्वेश्चन नंबर एक थ्री भी है जो मैंने लिखा नहीं है, उसमें भी सिंपल है, केवल बैलेंस करनी, मैं चाहता हूँ वो आप करें। सिंपल है, फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमें फॉर्मूला पता है, मतलब जो लिखा है टर्म उसका अगर हमें बैलेंसेस पता है तो हम इजीली उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला बना दिया तो हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं स्टेप वाइज, जो मैंने स्टेप आपको बताई थी हमारे लेक्चर में। अब आगे पेज नंबर टेन देखिए, पेज नंबर टेन में क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर टेन है आपको क्वेश्चन नंबर वन, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है एक्स, नाम नहीं पता एक्स को, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, व्हाइट वॉश के लिए ने बताया था कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। पहला क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उस सब्सटेंस का नाम बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या नाम है उसका, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस टू, ऑक्साइड की माइनस टू, तो सिंपल सी ए हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस टू माइनस टू, तो सी ए ओ हो जाएगा, दोनों वन वन हो रह जाएंगे, सी ए ओ, ये इसका हो गया फॉर्मूला। चलिए, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन विद अबव विद द वाटर। अब इस सब्सटेंस की सी ओ कैल्शियम ऑक्साइड की अगर वाटर से रिएक्ट करूँ तो क्या बनता है, हीट जनरेट होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कोई एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, एक बार देख लेते हैं, जैसे कि क्या था, CaO की रिएक्शन किससे हुई, H2O से हुई, ठीक है, लिक्विड है ये, सॉलिड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे हुई, क्या बन गया, CaOH2, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, कैल्शियम एक सबसे ज़्यादा किसके एलिमेंट है, किस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम है, ऑक्सीजन के दो यहाँ पर हैं, यहाँ दो हैं, हाइड्रोजन के दो ही हैं, कैल्शियम का मतलब ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन, ये इसको बोलेंगे एक्वेस, ये वाटर इन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा वो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा, कैल्शियम की वैलेंस टू है, इसलिए यहाँ OH2 आ गया, OH की होती है माइनस वन, तो यह ऐसा आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट, पेज नंबर टेन का, पेज नंबर टेन का क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। मतलब एक एक्टिविटी थी, मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, देखिए क्या थी वो एक्टिविटी, वो एक्टिविटी ये थी कि अगर दो, हमने एक वाटर लिया था, वाटर के अंदर उसको इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस था वो, देखिए वो क्या प्रोसेस था, एक्टिविटी 1.7, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी 1.7 एक्टिविटी बुक की, NCERT बुक क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक, इसमें क्या किया था मैंने, या वो उसमें क्या किया, ये बीकर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, पानी, ठीक है, क्या ये वाटर, इसके अंदर जो थी वो एक्टिविटी ये थी, यहाँ पर दो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये इनको जो गैस निकलेगी उसको इस टेस्ट ट्यूब से में भर लिया जाता है, ठीक है। अब किया क्या, इन दोनों इलेक्ट्रोड से को यहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के इसको इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होता है, ठीक है, कुछ वोल्टेज होगा,
फ्लो किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होता है इस वाटर का डिकम्पोजन होता है, यानी कि H2O जो है वाटर का फॉर्मूला डिकम्पोजन होगा इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा, उसको एनर्जी दे रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस बन जाती है। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दो है, तो यहाँ इसको टू कर लेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन फोर हो गया, तो ये फोर टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है वे देखिए, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट। ये बोल रहा है कि इन टेस्ट ट्यूब में किसी न किसी एक में तो ऑक्सीजन आएगी, किसी एक में हाइड्रोजन आएगी, तो ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का कोई एक गैस डबल आती है और एक गैस कम आती है, बिल्कुल। अब देखिए इसके अगर दो मोलिक्यूल, जो कहेंगे इसके दो मोलिक्यूल, कितना मोलिक्यूल ले रहा हूँ, इसके टू मोलिक्यूल किसके, वाटर के, ये पूरा एक अलग अलग एलिमेंट है और एटम्स है, उसका हाइड्रोजन का एक दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बनते हैं, एक दो मॉलिक्यूल बन गए वाटर के, तो ये दो मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल किसके हैं, किसके हैं, ये हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल किसका है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर दो मॉलिक्यूल यानी कि डबल मिल रहा है, किसका, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डबल मिल रहे हैं ऑक्सीजन से, यानी कि मेरे पास कौन सी गैस सबसे ज्यादा कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन। मान लो अगर इसमें हाइड्रोजन है, मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस, यहां पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और यहां पर ऑक्सीजन कलेक्ट हुई, तो हाइड्रोजन डबल, तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर होगा डबल, कौन सी गैस है वो, द गैस कौन सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द गैस कलेक्टेड, हाइड्रोजन इज डबल इन डबल अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है, एज कंपेयर विद ऑक्सीजन, ये आंसर इसका, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। हाँ, तो हम पेज नंबर 13 पे क्या क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 13 पे आपकी टेक्स्ट बुक का, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आयरन नेल को जब मैं डिप करता हूँ उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू, जब आयरन के साथ उसको नेल को मैं डिप करता हूँ तो उसका कलर चेंज होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्ट करता है, द कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद द आयरन नेल, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है वो, आयरन सल्फेट प्रोड्यूस करता है, और कॉपर, कॉपर की जो कोटिंग है वो आयरन नेल के ऊपर जमती जाएगी और क्या प्रोड्यूस होगा, आयरन सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू था और आयरन सल्फेट बनता जाता है, इस वजह से उसका कलर ब्लू से क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन हो जाता है, ये लाइट ग्रीन बोल सकते हैं या फिर फैट बोल सकते हैं, ठीक है, इसका कलर क्या हो जाता है, फैट हो जाता है, सिंपल, क्योंकि वापस बोल देता हूँ आंसर, क्योंकि कॉपर सल्फेट किससे रिएक्ट करता है, आयरन से, हम वो रिएक्शन भी लिख सकते हैं जो बुक में दी हुई है, कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्ट करती, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, सिंपल है, और ठीक है, बिकॉज वो सोल्यूशन नया बन जाता, नया प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट, जिसका कलर ब्लू नहीं होता, इस वजह से वो अपना कलर को चेंज करता है, फेड करता है, इसका ही आंसर है। चलिए सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द बुक, ठीक है, यानी कि बुक में जो दिया है जो डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का जो दिया है, ठीक है, उसके अलावा और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो सकती है, तो आइए मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, अगर मैं एसिड, अगर आगे जो चैप्टर है हमारा इसका बहुत है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगर मैं किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराऊँ तो क्या बनेगा मेरा, सॉल्ट बनेगा। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं ले लेता हूँ प्लस अगर मैं सल्फ्रिक सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इसे अगर इसे क्रिएट कराऊं तो क्या बनेगा, तो सोडियम का रिएक्शन किससे हो जाएगा मेरा, क्लोरीन से, तो NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस इस H की क्रिया इस OH हो जाएगी तो H2O बन जाता है, क्या बन जाता है, H2O, ठीक है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है, तो ये मेरा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर टू हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दैट द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें यहाँ पर बताना है कौन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन उस सब्सटेंस का होता है जिस जो ऑक्सीजन को गेन करता है,
और या फिर हाइड्रोजन को लॉस करेगा, और उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा अगर वो ऑक्सीजन को लॉस करेगा या फिर हाइड्रोजन को गेन करेगा। देखिए अब पहला इक्वेशन देखते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें किसका गेन हो रहा है, देखिए सोडियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों इसमें ऑक्सीजन मिल रही है, यानी किसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आंसर है सोडियम। तो इसका क्या आंसर हो गया, सोडियम, इसका फॉर्मूला होता है Na, ठीक है, ये सिंपल सा आंसर हो गया। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब अगर कोई स्टूडेंट अगर कहता है सर कॉपर का ऑक्सीडेशन या कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, गलत। देखिए CO से क्या बन गया, CU, मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन, ठीक है। तो किसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ये ऑक्सीजन जुड़ रही है हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, उसमें फर्स्ट इक्वेशन में किसी का रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन, ये रिडॉक्स इक्वेशन है, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन होगा कॉपर का ऑक्सीडेशन है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ CuO का, सॉरी इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, CuO का, ठीक है। कई स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, केवल कॉपर लिख देते हैं, कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर का नहीं, जो सब्सटेंस पूरा दिया है कॉपर ऑक्साइड, तो पूरा ही हमें लिखना है, उस पूरे का रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ पूरे सब्सटेंस का, ठीक है। अगला देखते हैं सिंपल, पेज नंबर 14 पे फर्स्ट को जो हमारी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की वो है, उसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द सब्सटेंस अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, देखिए कौन सा गलत है, इक्वेशन देखते हैं, लेड ऑक्साइड किसे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन से, लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है और फिर एक लेड उसमें से सेपरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है देखा जाए तो, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें ऑक्सीजन का और कार्बन इसको डिस्प्लेस करता है लेड से, चलिए ये तो हो गया रिएक्शन की बात। अब पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, ये देखते हैं स्टेटमेंट। अब इसमें लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल गलत, रिड्यूस कौन सा होता है, लेड ऑक्साइड हो रहा है, पूरा पूरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है इज गेटिंग ऑक्साइड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आंसर क्या हो, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो यहाँ सब्सटेंस है वो ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ सब्सटेंस है वो रिड्यूस होगा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि दोनों गलत है, ए और बी गलत है, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा इनकरेक्ट है इसमें, ए और बी दोनों ही दोनों इनकरेक्ट होंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लिख सकते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का, तो शुरू करते हैं हम आगे, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2, देखिए Fe2O3 प्लस ट्वाइस एल्यूमिनियम L2O3 प्लस Fe, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में पूछा है कौन सी रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है, देखिए ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की डिस्प्लेस करके, सॉरी जो ये मेरा हाँ एल्यूमिनियम जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Fe को, ठीक है, एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Fe को, Fe की जगह आ रहा है और ये इससे रिएक्ट कर रहा है और मेरा Fe अलग हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग या आयरन फाइलिंग का मतलब होता है कि जो लोहे के हल्के हल्के छिलके या बारीक बारीक टुकड़े, ठीक है, आयरन के, लोहे के, Fe, तो ये हो गया आयरन। अगर मेरा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर वो आयरन को मैं रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें हम रिएक्शन लिख सकते हैं, मतलब HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl, ठीक है, प्लस Fe से क्रिएट होगा, तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो Fe किसे क्रिएट करेगा, Fe क्लोरीन से क्रिएट करेगा, Fe की वैलेंसी कितनी होती है, Fe की वैलेंसी प्लस ही होती है, या तो क्लोरीन की होती है Fe2Cl3, या क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है
FeCl3 हो जाएगा प्लस, और हाइड्रोजन गैस हमारी अलग हो जाएगी H2, ठीक है। FeCl3 प्लस ये हो जाएगा हमारा। अब बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, क्लोरीन कितने 3 है, अब सबसे हाईएस्ट एलिमेंट इसका यहाँ पे 3, ये 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो गई, तो यहाँ 3 तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए इसको मैं इसको क्या कितना कर सकता हूँ, एक काम करो इसको 4 कर दो, 4 करेंगे तो क्लोरीन 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको 2 कर देंगे, इसको कर देते हैं अपन, इसको 6 कर दो, किसको कर दो, इसको 6 कर दो, इसको 2 कर दो, तो ये क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, और हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 कर दिया मैंने, और यहाँ Fe कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया। समझ में आया आपको? सबसे ज़्यादा ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्लोरीन कितना था बैलेंस में, यहाँ पर 3 था और यहाँ क्लोरीन 1 था, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखा तो हाइड्रोजन 3 हो रहा था, तो यहाँ 3 मैं लिख दूंगा, या 1.5 तो लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसको 3 कर दिया, और इसको मैं 6 कर दिया, क्योंकि 3 2 6 होते हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस होगी मेरी इक्वेशन। चलिए अब ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड बी इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो सिंपल सा आंसर है, बैलेंस इक्वेशन वो होती है, आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ, द बैलेंस इन ए बैलेंस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ द साइड, यानी इन बोथ इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है, ईच एलिमेंट के जो एटम है, नंबर ऑफ एटम्स है आइदर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो क्या होना चाहिए, शुड बी सेम, उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड बी इक्वेशन टू बैलेंस, इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, इसका मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ मेरे लेक्चर में, इक्वेशन को अगर बैलेंस है तो ठीक, नहीं अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन क्यों करना पड़ेगा, क्यों होनी चाहिए इक्वेशन बैलेंस, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स ने पार्टिसिपेट रिएक्टेंट में किया है प्रोडक्ट में भी उतने नंबर ऑफ हमारे एटम बनेंगे, तो इसलिए इसको हमको बैलेंस करना चाहिए, क्या आंसर इसका, ड्यू टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंस, जो नीचे जो दिया गया है स्टेटमेंट उसको हमें किस में लिखना है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसको बैलेंस भी करना है, तो वैसे उसमें 4 है, मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ए जो है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस H2 किसके साथ कंबाइन हो रही, नाइट्रोजन के साथ, और क्या बना रही, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4, तो अब इसको ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी मेरी अमोनिया भी गैस है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस, ठीक है, सबसे हाईएस्ट इसमें एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम्स हाईएस्ट, कौन सा वो कौन सा एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम्स रहता है, हाइड्रोजन, यहाँ 4 है तो इसको मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पे 4 हो गए, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है तो इसको मुझे 2 करना पड़ेगा, तो 2 करना पड़ेगा तो ये 8 हो गया, देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो मेरा ये गलत हो गया, तो मुझे यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, अब जाके इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, देखिए हाइड्रोजन मेरे 8 हो गए, नाइट्रोजन 2 है, सिंपल, तो ये इक्वेशन क्या होगी मेरी, बैलेंस, ठीक है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी प्रकार बी और सी में चाहता हूँ आप करें, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखिए, बाकी बी और सी आप लीजिएगा, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम जो मेटल है मतलब के किससे रिएक्ट हो रहा है मेरा, वाटर से, यानी H2O से रिएक्ट हो रहा है, और क्या बन रहा है मेरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, KOH प्लस वाटर प्लस क्या बन रहा है मेरा, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, लिखते हैं अब इसको क्या करना, बैलेंस, ठीक है, हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं, ये पोटेशियम सॉलिड है, ये क्या मेरा लिक्विड है, KOH क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वियस सॉल्यूशन बन गया इन वाटर, और हाइड्रोजन मेरी गैस निकल गई, चलिए ठीक है बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो 4 हो गए, ये 2 और 2 इधर 3 है ना, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए और मेरे हाइड्रोजन भी 4 हो गए, 2 और 2 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, अब पोटेशियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पोटेशियम को 2 कर दूँ तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं, बाकी इक्वेशन आप करें। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब फॉर्मूला लिखते हैं CO। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस टू होती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब COOH2 हो जाएगी, OH की वन होती है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बन रहा है मेरा? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम वैलेंसी टू, कार्बोनेट की वैलेंसी माइनस टू, तो कट जाते हैं, इसलिए CaCO3 बनता है। प्लस H2O, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन क्या करना है? बैलेंस। चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे ज़्यादा किसके, किस एलिमेंट के एटम है हमारे पास? ऑक्सीजन, ठीक है। इधर दो और दो चार, इधर तीन और एक चार, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। कैल्शियम देख लेते हैं, एक और एक बैलेंस है। कैल्शियम क्या था बचा? हाइड्रोजन केवल, हाइड्रोजन ये दो और यहाँ पर दो, ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है, क्या ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। बाकी मैं चाहूँगा बी सी डी जो है वो आप करें। ये क्वेश्चन नंबर जो हो गए वो सिक्स तक कंप्लीट हो गए। सेवन एट नाइन टेन जो बाकी चैप्टर वो सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था उन्हीं के आंसर्स हैं। मैं चाह रहा हूँ आप करें। फिर भी अगर आपको टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं मेरे चैनल पर कि मुझे ये इसमें डाउट हुआ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर करने में। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा और उसके पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के आंसर को मैं अलग के लिए उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊँगा और हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको दे दूँ। तो बिल्कुल मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।